नमस्ते विद्यार्थियों, कक्षा पाँच हिंदी विषय में इकाई छः हंसी का पिटारा जो है हम आज समझेंगे। बच्चों, हर एक कक्षा में हमें हास्य के लिए एक इस तरह से चुटकुले का एक इकाई हमें दिया गया है। चुटकुले की विषय वस्तु से हम हमारे जीवन में हास्य का महत्व को जाने। चलिए आज समझते हैं इकाई छः हंसी का पिटारा। बच्चों, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख को भुलाकर नई उमंग भर देता है। हंसने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हाँ बच्चों, हमारे जीवन में जो कोई दुख है तो हास्य से उन्हें उस दुख को भुलाकर नई उमंग हास्य भर देता है। हंसने से हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। आप जो देखोगे तो कई जगह पर हंसने के लिए ऐसे क्लास भी चल रहे होते हैं कि जहाँ पर लोग जाते हैं, जो अपनी भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, हंसने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो वह इस तरह के क्लास में जाते हैं और वहाँ से जाकर वह ज़ोर ज़ोर से हंसते हैं। आप कभी बगीचे में भी जाओगे सुबह सुबह तो वहाँ पर भी कुछ लोग आपको इस तरह से ज़ोर ज़ोर से हंसने को देखने को मिलेंगे, क्योंकि वो लोग क्या कर रहे होते हैं कि आप झुककर दोनों हाथ खड़े करके ज़ोर ज़ोर से हंसते हो तो आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो अच्छी तरह से हो पाता है और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो यह हास्य थेरापी एक प्रकार की है, एक प्रकार का योगा है हंसने का। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ चुटकुले हमें दिए गए हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। यहाँ पर आप चित्र देख सकते हो, उसकी माँ है, बच्चा है और यह गेहूँ है। तो उसकी माँ बच्चे को कहती है, बेटा देखना गेहूँ सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। यह गेहूँ जो सूख रहा है बेटा, वह देखना तुम गाय न खा जाए। इतने में थोड़ी देर वह इस तरह से उनकी माँ कहकर घर में चली जाती है। थोड़ी देर बाद आकर वह देखती है तो एक गधा गेहूँ खा रहा होता है, इसलिए वह कहती है, अरे अरे अरे, गधा गेहूँ खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो, तुम क्यों उसे हटा नहीं रहे हो, ये गधा गेहूँ खा रहा है। तो बच्चा उसकी माँ को जवाब देता है, आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है, माँ ने बोला था गाय न खा जाए इस तरह से। तो बेटे ने क्या किया, गधा खा रहा था तो उसे मारा नहीं, हटाया नहीं, क्योंकि वह कह रहा है कि आपने तो गाय को हटाने के कहा था, यह तो गधा है। तो इस तरह से बच्चा जो है वह मजाक कर बैठता है। आगे यहाँ पर दूसरा चुटकुला दिया गया है। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। दो मित्र जो थे वह साथ में बैठकर पढ़ाई कर रहे थे और हिंदी व्याकरण सीख रहे थे। पहला दोस्त कहता है, दीपक मिठाई नहीं खाता। इसमें दीपक क्या है? तो यहाँ पर पहला दोस्त जो है तो समझदार होता है, इसलिए वह अच्छा सवाल पूछता है कि इस वाक्य में दीपक क्या है। तो यहाँ पर दीपक जो है वह कर्ता होता है, तो खाता है वह कर्म होता है, तो सॉरी क्रियापद होता है। तो यहाँ पर इस तरह से पूछता है कि दीपक क्या है, तो यहाँ पर बोलना चाहिए कि दीपक करता है, पर दूसरा सोच जवाब देता है, मूर्ख, वह मूर्ख है दीपक जो मिठाई नहीं खाता। तो इस तरह से यहाँ पर यह चुटकुला दिया गया है। तीसरा है, मालिक नौकर से कहता है, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद आता है, मालिक से कहता है, मालिक रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूँ? मालिक ने यहाँ पर क्या कहा था कि तू कोई भी काम करे तो पहले मुझसे पूछ लिया कर। तो नौकर ने क्या किया, जब किचन में रसोई घर में बिल्ली आई, वह दूध पीने लगी, तो उससे भगाया नहीं, पहले क्या किया, उस वह मालिक से पूछने गया कि रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, मैं उसे भगा दूँ कि ना भगा दूँ, वह पूछने गया है। तो यहाँ पर इस तरह से चुटकुले हमें देखने को मिला है। चौथा है, एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब कुत्ते का बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार बोला, यही खाओगे या घर ले जाओगे? आदमी जो है वह दुकानदार के पास जाता है और अपने कुत्ते के लिए बिस्कुट मांगता है। दुकानदार उसे क्या कहता है, यही खाओगे या घर ले जाओगे? कुत्ते का बिस्कुट क्या खुद ही वह थोड़ा खाएगा, पर दुकानदार इस तरह से उसका मजाक उड़ाता है। रामू श्यामू को देखकर कहता है, क्यों बे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? रामू श्यामू को देखकर श्यामू कहीं जा रहा होता है अपने कुत्ते के साथ, इसलिए वह
रामू उसे पूछता है कि अबे गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू के मूर्ख हो गया, यह गधा नहीं कुत्ता है, मेरे साथ जो चल रहा है वह गधा नहीं है कुत्ता है। श्यामू कहे मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ, यानी कि श्यामू को वह गधा बताता है, कुत्ते को पूछता है कि तुम गधे के साथ कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वह श्यामू को गधा बताता है। तो यहाँ पर यह चुटकुले हमें दिए गए थे बच्चों, आपको हंसी तो आई होगी, एक दो बार फिर पढ़ना और आपको जब ये चुटकुले समझ में आएंगे तो आपको हंसी जरूर आएगी। चुटकुले में हंसने के लिए भी चुटकुले को पहले समझना पड़ता है बच्चों। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे 5 चुटकुले हमें दिए गए थे, वह हमने समझे बच्चों। नमस्ते।